जबलपुर में देखी नवरात्रि की धूम, जोर जोर से लग गए जयकारे बोल शेरा वाली। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ग्वारी घाट भीमनगर क्षेत्र में माता रानी के आगमन पर ऐसा स्वागत हुआ कि लोग देखते रह गए। यह माता रानी अभी जो है तैयार हो रही है आगमन के लिए और जाने के लिए, और उसके बाद जो हुआ, ग्वारी घाट क्षेत्र के जेवीएन क्लब ने ऐसा स्वागत किया कि लोग देखते ही रह गए। और ऐसा जो है कई सालों में एक बार होता है, लेकिन अब यह बार बार होगा ऐसा जेवीएन क्लब ने प्रण लिया है। इस वीडियो में आगे जो आप दिव्य दृश्य देखेंगे वह आपको चौंका देगा और आप बोल पड़ेंगे जय माता दी। जबलपुर के भीमनगर ग्वारी घाट क्षेत्र में माता रानी के आगमन हो गया है और अब उन्हें स्थापित किया जाएगा। 9 दिन तक भक्तों के आने जाने का और भंडारे का सिलसिला लगा रहेगा, लेकिन यहाँ पे माता रानी के आगमन पर जो आतिशबाजी हुई, जो स्वागत हुआ, वो देखने योग्य था, अविश्वसनीय था, अकल्पनीय था। 2024 का दुर्गा उत्सव और नवरात्रि चालू हो चुकी है, ऐसे में मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र में जेवीएन टेंट क्लब ने बड़ी खेलमाई मंदिर के पास से अपनी दुर्गा मैया को ले जाते हुए जो ग्वारी घाट तक का सफर तय किया, वो अद्भुत था। अभी आप जो पंडाल देख रहे हैं वह खाली है, अभी यहाँ पे माता रानी बैठी नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द वो यहाँ बैठ जाएंगी और यहाँ पे भक्त जो है भक्तमय हो जाएंगे। माता रानी की अद्भुत प्रतिमा आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख सकते हैं एक हंस के ऊपर माता रानी बैठी हैं अपने दोनों बेटों के साथ, दोनों बच्चों के साथ। यहाँ पे बाल स्वरूप में भगवान कार्तिकेय जी को दिखाया गया है। भगवान गणेश का बाल स्वरूप अद्भुत है, बोले जय माता दी, जय माता दी।